गुड इवनिंग। आज हम लोग जो चैप्टर ले रहे हैं वो क्वेश्चन चैप्टर नंबर 6 आई थिंक या 4 है, आई थिंक 4 एंड सॉरी चैप्टर 6 है। चैप्टर का नेम है द वे थ्रू द वुड्स और ये क्लास 8 का चैप्टर है। इसके क्वेश्चन आंसर हम लोग देख रहे हैं। तो सेक्शन A1 जो है उसका क्वेश्चन आंसर देखेंगे। इसमें करीब क्वेश्चन 5 क्वेश्चंस है एंड 5 क्वेश्चंस के आंसर अब इसमें देख लेते हैं सेक्शन A1 में। तो द वे थ्रू द वुड्स ये एक पोयम है एंड बड़ी फेमस पोयम है। तो क्वेश्चन नंबर 1 है हु कैन सी वेयर द ओल्ड रोड रन जो भी है। तो कौन देख सकता है कि वहां पे ओल्ड रोड था जो यहाँ से गुजर रहा था उस वुड से, कौन देख सकता है। ओनली द कीपर्स कैन सी द दैट देयर वर वंस ए रोड थ्रू द वुड्स। जो मतलब वहां पे जो काम करने वाले कुछ लोग हैं जो उन्होंने जो मे बी उसकी वुड्स की या जहाँ पे जंगल है उसकी कुछ देखभाल या उस तरह से कुछ किसी तरह के अपॉइंट किए हुए पर्सन है वही उनको ही पता है क्योंकि वो पुराने टाइम से है। तो उनको ही पता है कि वहाँ पे एक रोड हुआ करता था जो इन वुड्स के थ्रू जाता है जो अभी दिखाई नहीं देता है क्योंकि अभी जंगल उगाया है तो किसी को मालूम नहीं पड़ता है। तो पहले उन्हीं लोगों को मालूम है जो पहले से वहां पे काम करते हैं। Why is the otter not afraid of man? Otter किसी क्रिएचर का नाम है, क्रिएचर है और वो क्यों अफ्रेड नहीं है, क्यों उनको डर नहीं लगता। The otter not afraid of man because they see so few men. क्योंकि उनको लोग दिखाई नहीं देते, वुड्स में कौन आएगा, कोई आता नहीं वहां पे, इसलिए वहां पे लोग कोई आते जाते लोग दिखते नहीं है तो इनको पता ही नहीं है कि मैन क्या होते हैं, तो इसलिए वो उनसे डरते नहीं है। ओके तो इस तरह से क्वेश्चन नंबर 2 ये था। क्वेश्चन नंबर 3 व्हिच लाइंस टेल यू व्हाट द वुड्स आर फुल ऑफ लाइफ। टेल यू दैट द वुड्स आर फुल ऑफ लाइफ। वुड मतलब जो जंगल जो था वहां पे लाइफ ही लाइफ है, काफी लाइफ है, काफी क्रिएचर है। तो जंगल में पेड़ पौधे तो है ही है, उसके अलावा बहुत सारे क्रिएचर भी हैं। तो ऐसी कुछ लाइंस आई हैं जिसमें मालूम पड़ता है कि दैट जंगल वर दैट वाज फुल ऑफ लाइफ। तो पहले एक तो लाइन है कि दैट वेयर द रिंग डो ब्रूट्स। तो रिंग डो जो है अपने एक्स को वो सेकती थी, डो डो जो होती है एक रिंग मतलब रिंग डो के पीछे पिटल टाइप की डो होती है। एंड द बैजर्स रोल एट ईस्ट। बैजर्स एक और अनदर क्रिएचर होता है जो जमीन में होल करके रहता है, कार्निवोरस होता है, जो मीनिंग्स भी दिए गए आपके बुक में। तो दो क्रिएचर तो ये हो गए। तो दूसरी लाइन एक और दी हुई है कि व्हेन द नाइट एयर कूल्स ऑन द ट्राउट रिंग पूल्स वेयर द ऑटर विसल्स हिज मेट। तो व्हेन द नाइट एयर कूल्स ऑन द ट्राउट रिंग पूल, ट्राउट मतलब एक टाइप की फिश होती है जो पूल में रहती थी, वो एक लाइन है। और दूसरी उसी के साथ कनेक्टेड लाइन है वेयर द ऑटर विसल्स हिज मेट। ऑटर एक और क्रिएचर है जो विसल कर रहा है अपनी मेट को बुलाने के लिए, अपने पार्टनर को बुलाने के लिए। तो इस तरह से 3-4 क्रिएटर इसमें है, क्रिएचर्स इसमें है जो वहाँ पे रहते थे जंगल में, वुड्स में। तो अबाउट लाइन टेल अस व्हाट द वुड्स दैट द वुड्स आर फुल ऑफ लाइफ। नाउ व्हाट आर द वेरियस क्रिएचर दैट कैन बी सीन एंड हर्ड इन दिस वुड्स। जो अबाउट क्रिएचर जो ये लाइंस में हम लोग ने देखे हैं यही क्रिएचर्स हैं जो पे जिनको देखा जा सकता है और सुना जा सकता था। तो क्रिएचर्स लाइक रिंगडो, बैजर्स, ऑटर, ट्राउट ये सब जो थे उसमें वहाँ पे थे जिनको विच कैन बी सीन और हर्ड और सीन एंड हर्ड इन दोज वुड्स। ओके क्वेश्चन नंबर 5 है कि विच वर्ड्स टेल्स यू दैट इज नॉट ए क्लियर नाइट। इसमें कौन सा वर्ड आया कि नाइट जब क्लियर नहीं थी। तो मिस्टी सॉलिट्यूड्स मतलब मिस्टी एकदम मिस्ट था, एकदम एकांत में मिस्टी मतलब जो जो ओस से भरा हुआ रहता था ऐसा था। तो इट टेल्स दैट द नाइट वाज नॉट क्लियर बट मिस्टी। ओके स्काई वाज नॉट क्लियर, इट वाज मिस्टी। दैट ए वुमन इज वॉकिंग थ्रू द वुड्स। तो कौन सी लाइन से मालूम पड़ता है, कौन से वर्ड से मालूम पड़ता है कि वुमन जो है वुड्स में वॉक कर रही है। द वर्ड स्विश ऑफ ए स्कर्ट, स्कर्ट के जब वो उसमें चल रही थी ग्रास में तो उसमें आवाज हो रही थी ओस से जब वो घिसकते हुए जाती थी स्कर्ट, तो उसमें स्विश की आवाज आती थी, स्विश ऑफ स्कर्ट। टेल अस दैट ए वुमन इज वॉकिंग थ्रू द वुड्स। व्हाट लिव्स इन द पूल्स, क्या पूल्स में क्या रहता है। पूल में ट्राउट टाइप ऑफ फिश रहती थी।
तो ये वर्ड्स है ट्राउट, ये टाइप ऑफ फिश उसमें थी। तो ये वर्ड्स हुए। इस तरह से हमने चार पांच क्वेश्चन देखे हैं सेक्शन ए वन के। बाकी के सेक्शन हम लोग नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, एंड अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू वेरी मच।